तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए, जैसा कि आप लोग को ये सामने दिख रहा है। Hey guys, welcome to Move World, the SM show. कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई होप अच्छी होगे। तो आज की वीडियो में हम लोग आपको लेके चलेंगे अजमेर की हिडन प्लेस में, जो बहुत अच्छा है। हालांकि रिवील वहीं जाकर करेंगे, लेकिन ये व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग देखना जरूर इसको पूरा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाइक पे आपसे। तो गाइज, आपको आज हम ऐसी जगह लेके जाने वाले हैं जो है तो अजमेर में, बट है ना बहुत ज्यादा छुपा हुआ है एक तरह से वो जगह। कर लो डांस, कर लो, हलाल हो रहा कोई ना कोई यहाँ पे भी। दोस्तों हम लोग तो पहले जा चुके हैं, लेकिन आप लोग को भी दिखाना है तो लेकर चलते हैं आज। तो यार बाकी जगहों पे क्या मौसम का इशू चल रहा है, ख़राब चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है। अपने यहाँ पे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो अपने आराम से मोटर ब्लॉक कर सकते हैं। और आज कितनी शादियाँ हैं, पूरा रोड जैम हो रहा था। आप लोग स्टे ट्यून रहना, बिकॉज परसों का हमारा राइड फिक्स है। परसों हम लोग निकलेंगे यहाँ से, और संडे राइड है, तो हो सकता है सुबह सुबह निकल जाए। पहली संडे राइड होने वाली है हमारी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि हम लोग अजमेर की हिडन प्लेस है एक ऐसी, वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ज़्यादा सस्पेंस न क्रिएट करते हुए मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग बेसिकली जा रहे हैं अजमेर फोर्ट। हाँ दोस्तों, अजमेर फोर्ट जा रहे हैं, जो अजमेर का किला है बना हुआ अजमेर में, और उसके अंदर एक तरह से म्यूज़ियम टाइप का बना हुआ है। उसमें ना पुरानी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, राजा महाराजाओं के टाइम की, जैसे स्वॉर्ड्स, वेपन्स वगैरह हो गए, या आर्मर्स हो गए, ऐसे टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। आप लोग को देख के मज़ा आएगा, और पहले आप लोग के साथ मैं कभी गया भी नहीं वहाँ पर, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ चला जाए आज। और शाम का टाइम है, तो वैसे भी धूप नहीं हो रही है, मौसम ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग कुछ फैन ओढ़ के नहीं आए हैं, सर्दी लगने के चांसेस रहे हैं अगर शाम हो गई तो। यार क्या बताऊँ, ट्रैफिक से परेशान रहता हूँ। एक तो मैं वैसे ही ब्लॉग नहीं आते, ऊपर से जब ब्लॉग बनाने निकलो तो ये ट्रैफिक। और दोस्तों वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए थे ना, वो अंकल है ना मेरे, है ना, नंबर प्लेट को देख रहे थे फ्रंट में, जो कि है नहीं, बिकॉज मैंने मड गार्ड पे ना नंबर का स्टिकर लगवा रखा है और नंबर प्लेट हटा दी है इस पे से। वो पहले तो आगे देखने लगा, जब उसको नंबर प्लेट नहीं दिखी ना, तो उसने नज़र नीचे तोड़ा ही, वरना फिर आज तो रोक ही लेता हो। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं, जैसा कि आप लोग को ये सामने दिख रहा है। कहाँ लगा गाड़ी?
इधर से यूं नहीं चलेगा, चल आजा। हो गए फ्री, निपटा दिया जैसे तैसे करके, जबकि यहाँ पर अलाउड नहीं है फोटोज या वीडियोस निकालना। उसके बाद भी जैसे तैसे करके यार आप लोग के लिए निकाल ही दिया हमने इतनी मेहनत करके। अब जैसी भी बनी हो देखो कोशिश पूरी करेंगे कि एडिटिंग में उसको अच्छे से आपको प्रेजेंट करें बना के। बट अगर नहीं भी बनी, क्योंकि मुझे एडिटिंग ज़्यादा आती नहीं है, तो यार आप अप्रिशिएट तो कर ही देना एटलीस्ट।
बिकॉज ऐसी जगह पे जाके वीडियो शूट करना, व्लॉग बनाना जहाँ पर अलाउड ना हो बहुत ज़्यादा काम रखाता है। और मतलब गार्ड्स की नज़र से बच बच के बड़ी मुश्किल से यार बनाया है वीडियो। और शाम भी हो गई है और सर्दी भी लग रही है मुझे, लेकिन यार अगर पहन के आता तो दिन में हालत ख़राब हो जाती। अंदर मजे मारे थे क्या पता। रास्ता ख़राब है इसलिए लोग रॉन्ग वे से ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नियम का पालन करते हैं इसलिए राइट वे से जाएंगे। या फिर आप लोग यूँ कह लो कैमरा लगा हुआ तो यार जाना पड़ेगा एटलीस्ट। तो यार ये जो म्यूजियम था अजमेर का किला था, बड़े अंदर छुपा हुआ था। तो जैसे डेली राइड हम लोग की यहाँ से होती रहती है, डेली तो नहीं कह सकते, जब भी व्लॉग आता है ज़्यादातर मतलब काम मुझे इसी रोड से पड़ता है जाने आने का, तो आप लोग को वीडियोज में शायद ही दिखा होगा ये, और दिख भी गया होगा तो आप लोग को मतलब समझ में नहीं आया होगा क्या चीज़ है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार, बिकॉज तो जल्दी अब है ना राइड्स होने वाली है रोड ट्रिप। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, कीप राइडिंग एंड राइड सेफ, टिल देन बाय बाय।